Good afternoon, class. In the previous class, in working capital management in unit 3rd, I had discussed the different topics, that is, what is receivables management, different features of receivables management, purpose of receivables management, and last one, that are the different costs which can help to maintain the receivables, in which you have studied the four different costs, that is capital cost, administrative cost, collection cost, and defaulting cost. Now, in today's lecture, I am going to discuss a new topic related to receivables management, that are the aspects of receivables management. Aspects you can simply call as the dimensions, the elements which are being available in receivables management. So, as I am discussing about the aspects, these aspects can be divided into three main categories. One is credit policy, second one is credit standards, and third one is credit period. So, first of all, I am going to discuss what is credit policy. आप सबको जैसे पता है क्रेडिट पॉलिसी की अगर हम बात करें तो क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी गुड्स जो क्रेडिट पे आपके सेल आउट किए जा रहे हैं, तो कितना गुड्स क्रेडिट पे सेल आउट किया जाए, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का। तो क्रेडिट पॉलिसी आपके कुछ चीज़ों को एनालाइज करती है कि कस्टमर्स के बिहाफ पे हमें ये डिटरमाइन करना होता है कि किसको क्रेडिट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, क्रेडिट के बेस पे बिजनेस किया भी जाए या कैश पे ही बात करें। लेकिन आज के करंट सिनारियो की अगर बात करें तो बिना क्रेडिट के तो आप ट्रांजेक्शन्स कर ही नहीं पाओगे, आप मार्केट में ग्रो कर ही नहीं पाओगे। कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको ज़रूरत है क्रेडिट पॉलिसी की, यानी क्रेडिट प्रोवाइड करने की। तो क्रेडिट पॉलिसीज में कुछ आपके डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है वेदर टू ग्रांट क्रेडिट और नॉट, क्रेडिट ग्रांट किया जाए या ना दिया जाए, डिपेंडिंग अपॉन कस्टमर, ये आपका क्रेडिट ग्रांटिंग का जो डिसीजन है ये वेरी करेगा। अगर आपका कस्टमर एफिशिएंट है, आपको प्रॉपरली टाइम से पैसा दे रहा है, आपके लिए वो एक गुड फेथ में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसे फेज में आप क्रेडिट इजीली ग्रांट कर दोगे। लेकिन ऐसे कस्टमर जो डिफॉल्ट कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, तो उनको आप क्रेडिट देना इग्नोर कर दोगे। तो क्रेडिट दिया जाए या ना दिया जाए, ये आपका पहला डिसीजन आता है क्रेडिट पॉलिसी के। सेकेंड पॉइंट इसी में है, हाउ मच इज़ द क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट की लिमिट क्या होनी चाहिए, ये भी आपका वेरी करेगा कस्टमर टू कस्टमर। आपके जैसे भी कस्टमर्स हैं, जैसे भी आपने कस्टमर्स डिफ़ॉल्ट अगर कर रहे हैं, तो उनके लिए एट लास्ट जो लिमिट होगी वो कम होगी। दूसरे कस्टमर्स जो इजीली टाइम से पैसा दें, उनके लिए आप लिमिट अमाउंट की बढ़ा सकते हो। इसके अलावा टाइम की लिमिट की बात करें तो सम कस्टमर्स आपसे ज़्यादा टाइम लिमिट की पॉसिबिलिटीज रखते हैं, तो मे बी आप उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हो। दूसरे कस्टमर ऐसे हैं जिनको आप कम समय के लिए भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। थर्ड वन, दिस डिपेंड ऑन द क्रेडिट स्टैंडर्ड दैट आर आइदर टाइट और रिस्ट्रिक्टिव। क्रेडिट पॉलिसी आपकी कहीं ना कहीं क्रेडिट स्टैंडर्ड पे भी डिपेंड करेगी, जो आपकी टाइट और रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है, कि आपने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं, रिस्ट्रिक्टिव बना रखा है अपनी क्रेडिट पॉलिसी को, कि जो कस्टमर इन सभी नॉर्म्स को फॉलो करेगा उसी को हम क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे, सबको नहीं देंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए लिबरल और आपके लिए नॉन रिस्ट्रिक्टिव होगी, या आपने इजीली प्रोवाइड कर रखा है क्रेडिट सभी के लिए, कि कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर आपसे आसानी से क्रेडिट रिपोर्ट परचेज कर सकता है। तो आई थिंक क्रेडिट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्रेडिट स्टैंडर्ड्स पे। क्रेडिट स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करती है, यानी कुछ नॉर्म्स बनाती है, उससे नीचे हम नहीं जाएंगे। तो इन स्टैंडर्ड्स के बिहाफ पे कुछ आपके डिटरमिनेंट फिक्स किए गए हैं, देखते हैं इनको भी। इट इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट डिटरमिनेंट्स। फर्स्ट वन, कलेक्शन कॉस्ट। अगर आपके क्रेडिट के अगेंस्ट में कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि आप जो क्रेडिट के गुड्स अलाउड कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है अपने कलेक्शन कॉस्ट को। कलेक्शन कॉस्ट अगर कम है, कस्टमर आसानी से पैसा दे दे रहा है, आपकी कलेक्शन कॉस्ट नहीं आपकी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है, तो ऐसे बेस पे आप आसानी से क्रेडिट प्रोवाइड करोगे, तो आपका स्टैंडर्ड आपको परमिट करेगा कि आप अपने जो क्रेडिट की पॉलिसी है उसको आप लिबरल रख सकते। लेकिन अगर कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, तो ऐसे फेज में आपकी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव हो सकती है। सेकेंड वन, एवरेज कलेक्शन पीरियड।
जो कलेक्शन पीरियड है एवरेज लेवल पे, अगर आपका कलेक्शन पीरियड ज़्यादा है, आपको फंड मेंटेन करना पड़ रहा है अपनी वर्किंग कैपिटल साइकिल को चलाने के लिए एक्स्ट्रा फॉर्म में, कारण यह है कि आपका कस्टमर टाइम से आपको पैसा नहीं दे रहा, आपका कलेक्शन पीरियड ज़्यादा टाइम पीरियड कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसे फेज में भी आपका स्टैंडर्ड रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। कलेक्शन पीरियड भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि स्टैंडर्ड लिबरल रखा जाए या रिस्ट्रिक्टिव रखा जाए। थर्ड लेवल ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स आप सबको पता है कि वो कस्टमर जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, जो पैसा नहीं देते, अगर बैड डेट्स ज़्यादा है तो ऐसे फॉर्मेट पे आपको अपने स्टैंडर्ड को रिस्ट्रिक्टिव बनाना पड़ेगा। कस्टमर्स के बिहाफ पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर है जो जेन्युइन है, जिसको क्रेडिट में गुड सेल आउट किया जाए, सबको आप सेल आउट नहीं करोगे। और अगर बैड डेट्स का लेवल कम है तो ऐसे फेज में आप ओपन फॉर्म में आप स्टैंडर्ड बना सकते हो, आपका जो स्टैंडर्ड है वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, आप लिबरल बना सकते हो इसको, तो ऐसे फॉर्मेट में आपका स्टैंडर्ड लिबरल हो जाएगा। लेवल ऑफ सेल्स, क्रेडिट के अगेंस्ट में आपकी सेल बढ़ रही है, तो सेल बढ़ रही है इसका मतलब आप चाहोगे कि सेल और ज़्यादा बढ़े तो स्टैंडर्ड आपके यहाँ पे लिबरल हो जाएंगे। सेल बढ़ रही है लेकिन डिफॉल्ट भी हो रहा है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपके डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको आप इंक्लूड करते हो अपने क्रेडिट स्टैंडर्ड को डिसाइड करने में। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, दैट इज़ द क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मतलब कितना टाइम होना चाहिए क्रेडिट देने का, ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर टू कस्टमर, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी कर सकता है। चलिए ध्यान दीजिए सर, इट इज़ द टाइम फॉर विच द क्रेडिट इज एक्सटेंडेड, वो टाइम पीरियड जितने टाइम के लिए क्रेडिट आपके एक्सटेंड किए जा रहे हैं, यानी क्रेडिट आपको ऑफर किया जा रहा है इतने टाइम के बाद आप पैसा दे देना। आप किसी शॉप पे गए, आपने गुड्स परचेज किया, शॉपकीपर ने आपको 1 वीक का टाइम दे दिया, तो आपके लिए जो क्रेडिट स्टैंडर्ड आपने फिक्स किया पीरियड के अगेंस्ट में वो 1 वीक। मे बी दूसरे कस्टमर को 1 डे का टाइम दे, किसी तीसरे कस्टमर को 1 मंथ का टाइम दे दिया जाए, तो ये आपका ओवरऑल टाइम पीरियड कितना होगा ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी कर सकता है, सेलर टू सेलर वेरी करेगा, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। इट इज़ जनरली स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ नेट डेट, ये आपका जनरली जो आपका पब्लिश किया जाता है वो नेट डेट के बेस पे। जैसे मान लीजिए आपको टाइम दिया गया है 7 डे का, तो आपके लिए टाइम कितना हो गया नेट 7, तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने के 7 दिन के बाद पैसा पे करना है। तो नेट डेट का मतलब आपका एक डेट डाल दी गई नेट क्या आगे कि नेट डेट इस डेट पे आपको पैसा देना है, इतने दिन का आपको समय दिया जाता है। देखते हैं, इफ द पॉलिसी ऑफ अ कंपनी स्टेट्स नेट 30, पॉलिसी अगर ये कह रही है कंपनी की कि आपके लिए नेट 30 का क्रेडिट पीरियड अवेलेबल है, इट मींस द पेमेंट विल बी मेड आफ्टर 30 डेज ऑफ क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे आपके लिए जो क्रेडिट पीरियड क्या हो गया कि पेमेंट आपको कितने दिन के बाद करना है, क्रेडिट सेल के 30 डेज के बाद, यानी 30 दिन का समय आपको क्रेडिट का प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था एस्पेक्ट्स ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सबको। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, दैट इज़ द कलेक्शन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ पे कुछ कलेक्शन पॉलिसीज़ भी बनाई जाती हैं, तो इन कलेक्शन पॉलिसीज़ को भी डिफरेंट आपके फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ भी ये कलेक्शन पॉलिसी आपके 3 डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है डिग्री ऑफ कलेक्शन एफर्ट्स, दूसरा है टाइप ऑफ कलेक्शन एफर्ट, और तीसरा है मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। तो पहला पॉइंट देखते हैं डिग्री ऑफ कलेक्शन एफर्ट्स। कलेक्शन एफर्ट, कलेक्शन करने के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, तो अगर आपका डायरेक्शन आपको इंक्रीजिंग फेज में ले जा रहा है तो इसका मतलब आपके लिए प्रॉफिट की पोजीशन अवेलेबल है। डिक्रीजिंग फेज में ले जा रहा है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, तो यहाँ पे आपके लिए निगेटिव फेज है। जैसे एक टेबल बना हुआ है उसको देखिए, पैटर्स लॉसेस, अगर डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन डिक्रीज होने का मतलब आपका कलेक्शन एफर्ट कम लग रहा है, यानी ये प्रॉफिट के लिए पॉजिटिव साइन है। यही इंक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है, आपका लॉस बढ़ रहा है बैड डेट से, तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज कम। और अगर बैड डेट लॉसेस के बिहाफ पे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है आपका डायरेक्शन, यानी चेंज हो रहा है, लॉस कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड, कलेक्शन पीरियड भी अगर कम हो रहा है इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जल्दी पैसा मिलेगा। और अगर आपका कलेक्शन पीरियड बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पे आपके लिए नेगेटिव पॉसिबिलिटी, यानी कलेक्शन अगर इंक्रीज होगा टाइम पीरियड से, तो
तो ऐसे यानी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर इंक्रीज़ होता है तो इफेक्ट क्या होगा, निगेटिव। अगर आपके लिए एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्रीज होता है डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका जो इफेक्ट होगा वो पॉजिटिव। क्लियर है? सेल्स वॉल्यूम, सेल्स अगर आपकी मार्केट के बिहाफ पे डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब प्रॉफिट में निगेटिव इफेक्ट आएगा। सेल अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट में आपके पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कलेक्शन कॉस्ट की बात करें, कलेक्शन कॉस्ट अगर ज़्यादा हो रही है तो कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा का मतलब प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी कम है, कलेक्शन कॉस्ट कम हो रही है तो प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपके कलेक्शन एफर्ट की डिग्री में एनालाइज किया जाएगा कि आपका एफर्ट कितना है, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करेगा आपका कि आप पॉजिटिव फेज में अगर हो तो बेनिफिशियल है प्रॉफिट के लिए, निगेटिव फेज में हो तो आपके लिए लॉस की पॉसिबिलिटीज। तो ये थिंग पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकेंड वन, टाइप ऑफ कलेक्शन एफर्ट। डिफरेंट कलेक्शन एफर्ट्स के आपके टाइप्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्शन पॉलिसी के अंदर डिटरमाइन करती हैं और रेगुलर बेसिस पे एफर्ट किए जाते हैं। पहला, रिमाइंडर लेटर्स टू मेक द पेमेंट। जब आप अगर किसी को कोई क्रेडिट दोगे तो आप रेगुलर रिमाइंडर लेटर्स भी भेजते रहते हैं उनको याद दिलाने के लिए कि आपको ये क्रेडिट इस डेट पे पे करना है। तो अगर ये काम आप कर रहे हो तो यानी आपका कलेक्शन एफर्ट एफिशिएंट है। टेलीफोन कॉल्स और फॉलो अप, आप टेलीफोन कॉल्स कर रहे हो, डिफरेंट आपके पास भी कॉल्स आती होंगी अगर आपने क्रेडिट लिया होगा तो, कि आपको ये ईएमआई पे करनी है, ये क्रेडिट आपको पे करना है, और उसका रेगुलर फॉलोअप भी किया जाता है, रेगुलर इंटरवल्स में कॉल की जाती है। पर्सनल विजिट, पर्सनली इंडिविजुअल विजिट भी कर सकते हैं आपके घर पे कि आपका लोन अमाउंट बड़ा है या आप नहीं पे कर रहे हो, तो ऐसे फेज में पार्टी आपके घर पे भी आ सकती है, तो ये भी कलेक्शन एफर्ट का पार्ट है। सीकिंग असिस्टेंस फ्रॉम कलेक्शन एजेंसीज, डिफरेंट मार्केट में कलेक्शन एजेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आप डिफॉल्ट करना ही चाहते हो, आप नहीं पे करने की कंडीशन में, आप पे नहीं कर पा रहे हो, आप पे करने के लिए जब भी आपका कॉल आती है आप इग्नोर कर देते हो, तो ऐसे फेज में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्शन एफर्ट के अंदर कलेक्शन एजेंसीज की असिस्टेंस यानी उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन कॉस्ट इंक्लूड होगी। तो जो कलेक्शन एजेंसीज आपकी अवेलेबल हैं उनकी हेल्प अगर आप ले रहे हो तो ये भी आपके कलेक्शन एफर्ट का पार्ट है। लास्ट वन, लीगल एक्शन। जब किसी फॉर्मेट में आपको पैसा नहीं मिलता तो आप लीगल एक्शन, आप कोर्ट चले जाते हो, लीगल एक्शन आप लेते हो जिससे कि आपका जो पैसा है वो आपके पास रिकवर हो सके। तो कलेक्शन पॉलिसीज के अंदर एक तो डिग्री है ये एनालाइज करने के लिए कि आपका जो डायरेक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज किस फॉर्म में जा रहा है डिफरेंट आइटम्स के बिहाव पे, और उसके अगेंस्ट में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रॉफिट पे, पॉजिटिव है या निगेटिव है। कलेक्शन एफर्ट्स के टाइप्स के बिहाव पे बात कर लें तो रिमाइंडर लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, उनका फॉलो अप, पर्सनल विजिट, डिफरेंट कलेक्शन एजेंसीज की हेल्प और आपके लीगल एक्शन, ये डिफरेंट आपके कलेक्शन एफर्ट्स के टाइप्स हैं जिनकी हेल्प से हम कलेक्शन पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा हमें टाइप यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना। एंड एट लास्ट, कलेक्शन पॉलिसी में तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मॉनिटरिंग ऑफ रिसीवेबल्स। जो भी आपके रिसीवेबल्स हैं यानी आपको बीआर के अगेंस्ट में, डेटर के अगेंस्ट में जो भी पैसा लेना है उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना कि कौन से कस्टमर्स हैं जो टाइम से पैसा दे रहे हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जो डिले कर रहे हैं, कौन से कस्टमर्स हैं जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कौन से आपके कस्टमर्स हैं जो डिस्काउंट के बेस पे आपको पैसा दे रहे हैं, ये सारी मॉनिटरिंग आपको ज़रूरत है रिसीवेबल्स के अंदर करने की। अगर आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग कर रखा है तो आपकी जो कलेक्शन पॉलिसी के डिसीजंस होंगे वो एफिशिएंट होंगे, आप बेस्ट पॉलिसी बना पाओगे और टाइम से आपका पैसा कलेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट था ये आपका था रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपका रिसीवेबल मैनेजमेंट टॉपिक है ये आपका कंप्लीट। थैंक यू।